एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है और इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है। लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरक्षण फैसले के खिलाफ भारत बंद की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। कैसे आज भारत बंद को संपन्न करने में, सफल करने में विपक्षी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। और देखिए, कुछ जानकारी भी हम आपको दे देंगे कि आखिर भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है, क्यों इसे रखा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध की वजह से आज भारत बंद रखा गया है। आरक्षण में कोटे में कोटा का विरोध की भी बात कही गई है और इसीलिए आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आएगी, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें हमने आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, जहां विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से भारत बंद को सफल करने में लगा हुआ है। अगर आगे की खबर की ओर बढ़ेंगे और आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि आखिर किस किस का समर्थन मिल रहा है, कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इसे समर्थन दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, दो पार्टियों की जानकारी हमने आपको दी। साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो इस भारत बंद को सफल बनाने में जुटी हुई है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, तो तीन चार ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो आज इसे सफल बनाने में लगातार युद्धस्तर से जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी भी इसे सफल बनाने में लगी है, आजाद समाज पार्टी। तो किस किस का आज के भारत बंद को समर्थन मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या है एससी का फैसला यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, ये भी जान लीजिए। राज्य अब आरक्षण में कोटा दे सकेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना फैसला पलट दिया था और इसी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया था जिसको लेकर चर्चा युद्धस्तर पर की जा रही है और सबसे पिछड़ों को लाभ देना फैसले का मकसद है कि जो सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिले, और भी लाभ उन्हें सरकारी योजनाओं का मिल सके। सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन में कोटा को मंजूरी। और देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, विपक्षी दलों का भारत बंद। आज पटना डीएम ने सख्त चेतावनी दे दी है, बार बार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी, डीएसपी, एसडीएम थानों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सड़क जाम करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी, यातायात व्यवस्था में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि पटना डीएम ने तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नेताओं को भी ये सख्त चेतावनी दी है, या अपील की है कि आप किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं। और भारत बंद को लेकर बाढ़ में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एनएच 31 को जाम कर दिया है, सड़क पर आगजनी कर आवागमन को ठप कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरक्षण फैसले के खिलाफ भारत बंद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी भी हमने आपको जानकारी दी कि राजधानी पटना में डीएम की तरफ से ये कहा गया है कि यातायात व्यवस्था को किसी भी तरीके से बाधित नहीं किया जाए, लेकिन बाढ़ जिले से ये तस्वीर सामने आ रही है जिसे आप देख पा रहे होंगे, जहां संपूर्ण भारत बंद के पक्ष में टायर जलाने की तस्वीर सामने आई। और दानापुर के पुनपुन में आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान बेटा सरमेरा पथ को पुरनैया के पास जाम कर दिया गया है। फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में रोड को जाम कर दिया गया और इस दौरान आरक्षण के नाम पर दलितों को बांटने पर नाराजगी जताई गई है। सड़क पर उतरे भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आरक्षण में कोटा तय किए जाने का विरोध कर दिया। मेरा कहना है कि दलितों के कमजोर हिस्से के विकास करना चाहिए, सरकार नहीं ध्यान दे रही है, बल्कि आरक्षण बंद करने की, खत्म करने की साजिश कर रही है, इसलिए पूरे भारत में आज मेरा कहना। और इसी जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, बंद समर्थक और पुलिस में झड़प हो गई। ऊंटा मोड़ और अरवल मोड़ के पास ये झड़प हुई, पुलिस ने जाम को हटवा दिया है। कई बंद समर्थक
पुलिस हिरासत में है। शहर में यातायात व्यवस्था को सामान्य रखा जाए, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहानाबाद से पुलिस ने जाम को हटवाया है, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की सख्ती भारत बंद के खिलाफ नजर आ रही है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ जहानाबाद से न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त जहानाबाद की नजर आई और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए? जी, आपको बता दें कि जहानाबाद में सुबह से ही दलित संगठनों के लोग भारत बंद को लेकर रोड पर निकले हुए थे। कई जगह पर उन्होंने रोड को जाम किया, कई ट्रकें रोकी, गाड़ियां रोकी और एनएच जो है पटना गया खंड जो है रूट जो है उसको जाम कर दिया। पुलिस को जब जानकारी मिली, पहले से भी पुलिस बलों की तैनाती जगह जगह चौक चौराहों पर की गई थी, पुलिस की टीम पहुंची और अरवल मोड़ है शहर का, बीच का इलाका है और स्टेशन के पास का इलाका है, ऊंचा है, वहाँ दो जगहों पर जब जबरन बंद कराया जा रहा था तो पुलिस ने पहले उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग समझने को तैयार नहीं हुए तो इसको लेकर दोनों तरफ से धक्का मुक्की भी हुई, फिर कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, ट्रेनें भी चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं, जो सड़क पर स्थिति है वो सामान्य है, जो लोग निकले हैं उनको कोई परेशानी ना हो इसको लेकर पुलिस तैनात है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजीव कि जब ये झड़प हो रही थी उस दौरान क्या पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है, किसी तरह की हताहत होने की भी खबर है? नहीं, हताहत होने की खबर नहीं है, धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें हम थोड़ी देर में न्यूज 18 पर देख लेंगे, तस्वीरें आपको बता देगी क्या कुछ हुआ था। पहले पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, जब उन लोगों को लगा कि अब ये लोग मानने वाले नहीं है तब जबरदस्ती की गई, इसका विरोध किया गया और दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई है। राजीव, क्या इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? वहां से अभी पुलिस उठा के ले गई है, मेरे अंदाज से 8 से 10 लोग हैं, अभी काउंटिंग थाने में जाकर मैं करूंगा उसके बाद बता दूंगा। जी राजीव, ये बताइए कि अभी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या सामान्य व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है? बिल्कुल सामान्य व्यवस्था, आज सिपाही भर्ती की परीक्षा भी है, बाहर से कई छात्र आए हैं उनको दिक्कत न हो इसका भी पुलिस और प्रशासन के पास ख्याल है और इसलिए हर जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि कोई बाहर से भी जो आ रहे हैं परीक्षार्थी हो या कोई अन्य। चलिए राजीव, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले हम दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, भारत बंद के खिलाफ जब कार्यकर्ता नेता लोग वहां पहुंची सड़कों पर यातायात व्यवस्था को बाधित करने के लिए, तो देखिए पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद है और यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित ना हो इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और देखिए झड़प के दौरान भी आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पुलिस कर्मियों से ये सभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो झड़प करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पूरी व्यवस्था के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें अपने हिरासत में ले लिया है। कुल मिलाकर 8 से 10 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो इस प्रदर्शन में मौजूद थे, झड़प कर रहे थे पुलिस कर्मियों के साथ। और SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद की घोषणा कर दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुबह से ही पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। वहीं भारत बंद के ऐलान के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि भारत बंद का असर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर समेत कई संस्थानों में नहीं पड़ेगा, वो हर दिन की तरह आज भी सुचारू रूप से खुले रहेंगे, चलते रहेंगे। जजमेंट के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाती है तो इससे भी उग्र आंदोलन हमारे समाज करेगा। दलित जाति अब कम चुप बैठने वाला नहीं है और आज हम लोग शांति ढंग से आवश्यक कार्य को छोड़कर सारे प्रतिष्ठान को शांति ढंग से जहानाबाद में भी बंद किए हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर नवादा से, जहां अनुसूचित जाति संघर्ष मोर्चा के साथ साथ अन्य दलों की ओर से बंद की अपील की गई है। बंद समर्थकों ने शहर के सभी प्रमुख बाजारों को बंद कराया, सड़क को जाम कर दिया। नवादा के सद्भावना चौक के पास NH 20 को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे ट्रैफिक सेवा पर खास तौर पर असर देखने को मिला। किसी भी हालात से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस टीम की तैनाती कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। मांग ये है
सुप्रीम कोर्ट इतना घटा हो गया है कि 2004 में 5 जजों के पीठ ने क्रीमी लेयर और वर्गीकरण पर यह स्पष्ट कहा था कि संविधान में यह लिखित ही नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। लेकिन 5 खंडपीठ जो निर्णय दिया था 2004 में, उसके विरुद्ध 2024 में 1/8/2024 को 7 जजों का खंडपीठ ने हमारा संविधान के विरुद्ध निर्णय दिया है, वो सरासर गलत है। भारत बंद की है इसलिए कि हमारा 1/8/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम लोग के विरुद्ध आया STSC का, उसी के चलते हम लोगों ने भारत बंद किया है और ये पूरे भारत में आज बंदी है।